नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि की लॉगर कैसे काम करता है और आप किस तरीके से इसे बच सकते हैं। वैसे प्रॉपरली देखा जाए तो बच नहीं सकते, लेकिन जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा इस चीज में, तो बने रहिए मेरे साथ। की लॉगर है क्या दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर की लॉगर की। की लॉगर है क्या? देखिए, की लॉगर जनरली देखा जाता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर है, छोटा सा एक प्रोग्राम होता है जो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री मिलता है और परचेज भी कर सकते हैं। हार्डवेयर से भी आता है और सॉफ्टवेयर में भी आता है, दोनों में आता है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि की लॉगर, आप जो भी की प्रेस करेंगे, नाम से पता चल रहा है कि आप जो भी की प्रेस करेंगे उस की को ग्रैब करेगा और जिस कैंडिडेट ने आपके पास वायरस भेजा है उसके पास आपकी जानकारी जाती रहेगी। आएगा कैसे आपके सिस्टम में की लॉगर, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, की लॉगर आपके पास आने के दो तीन तरीके होते हैं। जैसे कि कैंडिडेट मेल से भेज सकता है, आपको ईमेल से किसी फोटो के साथ में अटैच करके भेज सकता है। आपके पास वायरस आ जाएगा कैसे न कैसे, आप कहीं से कोई डाउनलोड कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे हैं, उस प्रोग्राम डाउनलोड करते समय पे तब ये हो सकता है। तो प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? प्रोटेक्शन के लिए यही है कि भैया सुरक्षा ही बचाओ, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा। अगर कैंडिडेट ने उसको इनक्रिप्ट करके भेजा आपके पास में, तो आप एंटीवायरस आपका डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल है, वो कहाँ पे हाइड कर रखा है, उसको किसने हाइड किया हुआ, कहाँ हाइड किया, किस प्रोग्राम के पीछे हाइड है, कहीं पता नहीं चलेगा। तो देखिए, होता क्या है, की लॉगर शुरू से देखें तो की लॉगर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम में एक बार आ गया तो आ गया, ना तो आपका उसका एंटीवायरस डिटेक्ट कर सकता है, ना आप उसको मैनुअली पकड़ पाते। आएगा ईमेल के थ्रू से या फिर पिक्चर के साथ में अटैच करके, जो पिक्चर के साथ में अटैच होती है कोई भी फाइल, वो मैंने यहाँ पे वीडियो में आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। ये आप कमांड में टाइप करेंगे, आप पिक्चर को अटैच कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ में। एक बार नहीं, दो तीन चार पांच बार अगर कैंडिडेट ने उसको इनक्रिप्ट करके किसी फाइल के साथ, पिक्चर फाइल या फिर कोई भी वीडियो फाइल, MP3 फाइल, किसी भी फाइल के साथ में अटैच किया और आपको भेज दिया, बोल दिया कि आप इसको देखो, अच्छी है, अच्छी पिक्चर है या अच्छी फाइल है, आप जैसे उसको देखोगे आपके सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, एंटीवायरस आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में आपके सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन आप टाइप करेंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल है आपकी, ईमेल आईडी, पासवर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, कुछ भी, जो कुछ भी आप टाइप करेंगे, सारी की जो भी आप लॉक करेंगे, सारे के सारे मेल से उसके पास में भेजता रहेगा। साथ में कैंडिडेट ने अगर उसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए उसको इनेबल किया है, तो आपका वो टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट भी लेता रहेगा कि आपने इस टाइम पे क्या चला रखे हैं, क्या नहीं चला रखे हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि वो रिकॉर्ड कैसे करता है डिटेल्स, क्या दिखाई देगा, प्रोग्राम दिखाई देगा, टाइम दिखाई देगा, क्या मेल आईडी टाइप किया था आपने, जैसे आप दूसरे प्रोग्राम के स्विच करते हैं तो स्विच किया हुआ प्रोग्राम के बारे में दिखाएगा, यानी जो आप टाइप कर रहे हैं उसी प्रोग्राम पे दिखाएगा। ऐसा नहीं कि आप ब्राउजर ओपन कर रखे हैं आपको नोटपैड में दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंस्टॉल करने के लिए आपके दोस्त, आपके करीबी, आपके पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है जो आपके सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स लोग अपने बच्चों के ये ध्यान रखते हैं कि वो लोग क्या चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर बड़ी कंपनी में एम्प्लॉयर लोग भी ये काम करते हैं कि वो उनके एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, वो क्या चला रहे हैं, वो चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए भी वो लोग करते हैं काम में, साइबर कैफे जैसे आप यूज़ करते हैं। तभी कहा जाता है कि पब्लिकली आप कहीं भी अगर साइबर कैफे में बैठे हैं तो अपने पर्सनल डिटेल्स लॉगिन नहीं करें, कोई पेमेंट नहीं करें, ऐसा नहीं करें। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर भी उपलब्ध है मार्केट में, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर सिस्टम के पीछे कनेक्ट किया हुआ है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि ये हार्डवेयर है या फिर प्लगइन पिन है, क्या है, आप क्योंकि आपको नहीं पता है उस चीज़ का। अलग अलग तरीके से डिवाइस आते हैं, अपन नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं और दूसरे के सिस्टम के साथ में अपन छेड़छाड़ भी नहीं कर पाएंगे। लॉगर बेसिकली और सॉफ्टवेयर से ज़्यादा खतरनाक है। मान लीजिए आपके सिस्टम में वायरस है, वायरस आपके सिस्टम को क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई फाइल करप्ट हो जाएगी या फिर सिस्टम की स्पीड स्लो कर देगा। लेकिन की लॉगर ऐसा है जो आप पैसों के लिए भाग रहे हैं, वो पैसों की डिटेल ही किसी दूसरे के पास में भेज देगा, खत्म मामला। तो की लॉगर ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देता है अपनी कॉन्फिडेंशियल, जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी, प्राइवेट चैट आप कर रहे हैं, किसी को मेल भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग जो आप टाइप कर रहे हैं, सारे की सारी इन्फॉर्मेशन उस कैंडिडेट के पास में जाएगी जो कैंडिडेट आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया है इसको, चाहे वो कैसे भी करे, रिमोट कंट्रोल से करे या फिर फाइल भेज के करे, मैनुअल आपके घर पे आके करे, किसी भी तरीके से उसके पास में सारी आपकी इन्फॉर्मेशन जाती रहे। तो शुरू में मैंने बताया था कि सुरक्षा ही इसका बचाव है, आप डिटेक्ट वैसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कहीं भी इंस्टॉल प्रोग्राम में आपको नहीं मिलेगा कि ये कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। आप प्रोग्राम्स में जाके देखेंगे वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, टास्क मैनेजर में आप जाके देखेंगे जहाँ पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, करंट में कौन कौन से प्रोग्राम रन हैं, वहाँ पे भी ये आपको नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा हो सके अननोन पर्सन से आपको कोई मेल आ रहा है या फिर कोई फाइल सेंड की जा रही है उसको इग्नोर करें, हो सकता है उसमें वायरस हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो यही होता है कि किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो सुरक्षा आपके हाथ में है, आप उस चीज़ को समझो कि इस फाइल को ओपन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हो सकता है आपके दोस्त लोग ही आपको भेजें। वैसे मार्केट में बताया जा रहा है कि कुछ इस तरीके के कीबोर्ड उपलब्ध हैं
जो कि आप प्रेस करेंगे उसको इनक्रिप्ट करके भेजेगा, यानी की लॉगर उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। आप लोग ट्राई भी किए हो इस चीज़ को, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे ये बताइए कि आपको वीडियो में और क्या चाहिए, मतलब और नया वीडियो आपके पास अगर कोई आइडिया हो किसी चीज़ का वीडियो बनाने का तो आप आइडिया मेरे साथ में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है और अपने दोस्तों लोगों को भी बोलो कि यार सब्सक्राइब करो, अपना ही चैनल है भाई का।